नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं कीरत सिंह यादव हैं, वार्ड नंबर 1 से, और जन सैलाब आप देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी का। लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, हाथी झूम रहा है, नाच रहा है। नमस्कार सर, कैसा जनसंपर्क मिल रहा है? क्या नाम है आपका? किस वार्ड से खड़े हैं? कीरत सिंह माथी के नाम से जानते हैं हमें, कीरत सिंह यादव का नाम। क्या मुद्दे को लेकर आप उतरे हैं चुनाव में? कार्यकाल के लिए विकास के लिए कार्यकाल। क्या विकास करोगे? सभी विकास करेंगे। 15 साल से हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, 15 साल से हमारे अगर जनता आपको जिताती है तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? भाई 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, अब विकास होगा? जनता की सुनेंगे, जनता। कैसा आपका, आपको पार्टी ने जो टिकट दिया है क्या सोच के दिया है कि आप पहले से क्या करते चले आए हैं? की सेवा के लिए पहले भी हम सर्व समाज का जो पार्टी ने जो टिकट दिया है जनता की सेवा के लिए दिया है, और हम जब चुनाव जीतेंगे तो जनता की सेवा करेंगे। जनता की ही सेवा हमारा सर्वोपरि है। मेन वार्ड में क्या समस्या है आपकी? क्या जो वार्ड में समस्या अभी रह गई है और है, उन्हें हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, हाँ, की बहुत समस्या है। समय बहुत बढ़ गया है। वाटर टैक्स 100 मीटर की दूरी पे जिनके नल भी कनेक्शन नहीं है और उनको वाटर टैक्स देना पड़ेगा। हम उनको जैसे ही बनते हैंगे समाप्त कराने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आपके वार्ड में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, नालियां भिजभिजा रही हैं, हाँ, रोड उखड़े पड़े हैं। अभी उसका वाटर लेवल पानी के नीचे चला गया, कहाँ से सुविधा मिलेगी? नहीं, पाइपलाइन डर चुकी है, थोड़ी बहुत कसर हो रहा है, वो पूरी होने वाली। अभी जो नालियां हैं टूटी पड़ी हैं, ये केंद्र सरकार गैस सिलेंडर पानी की लाइन है, गैस की लाइन है। जैसे कि हमने पता किया कि वाटर टैंक जो वाटर लेवल नीचे चला गया है, तो हमने पूछा कि जो टैंकर कौन भिजवा रहा है, तो उन्होंने बताया कीरत सिंह भिजवा रहे हैं। तो क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। पूरा प्रयास हमारा है कि किसी तरीके से जनता को परेशानी कोई ना हो, पानी व्यवस्था हो जाए। और खास क्या आप विकास करेंगे? स्कूल नहीं है, पार्क नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य अभी अभी प्राथमिक विद्यालय है, प्रयास किया जाएगा कि जूनियर स्कूल भी यहाँ पे बनाया जाए, बच्चों को जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुहैया कराई जाए। बच्चों के लिए जिम भी नहीं है यहाँ पे, पार्क भी नहीं है। पार्क नहीं है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ पे सरकारी जमीन है उनको चिन्हित करके पार्क बनाने का व्यवस्था बनाएंगे। कितने वोटों से जीत रहे? 1000।